सो मेरे हाथ में है Realme C25Y। बहुत सारे अनबॉक्सिंग आप देख चुके होंगे YouTube पे, इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोस भी देख चुके होंगे। सभी बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, कोई बोल रहा है ये ख़राब है। तो ये सच में अच्छा है या नहीं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इससे पहले बता देना चाहता हूं मैं कि ये फ़ोन जो है एकदम स्टार्टिंग लेवल का फ़ोन है, ठीक है। 15-17 हज़ार के अंदर जो अच्छे फ़ोन्स आते हैं ये उनके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये है 10,999 ऐसा कुछ इसका प्राइस है, एंड मुझे ये उतना ही पड़ा, लेकिन उसके साथ मुझे एक बैक कवर भी मिला है। ये देखिए, देख रहे हैं ये बैक कवर कितना डिज़ाइन लग रहा है, देखिए। तो ये मुझे उसके साथ ही मिल गया, एंड टेम्पर ग्लास भी मैंने उसके साथ ही लगाया, तो मुझे ये काफ़ी कम पड़ा, करीब 400-500 रुपये कम में मिला मुझे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर Realme C25Y कैसा है, ठीक है। जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। बैक साइड में इसके रिजेस हैं। काफ़ी सारे मतलब इसमें अलग अलग ऐप्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड थे पहले से, मैंने उन ऐप्स को यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दिया है, जैसे कि मौज था, MX टकाटक, वो सब था, तो वो सब नहीं चाहिए इसलिए मैंने अनइंस्टॉल कर दिए। तो अब ये काफ़ी हद तक मतलब नॉर्मल यूसेज के लिए जितना चाहिए उतना अभी यहाँ पर अवेलेबल है, और फिर भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मतलब इसका डे टू डे यूज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और मुझे काफ़ी हद तक ये ठीक लगा। फ़िलहाल मैंने ब्राइटनेस इसकी बढ़ा के रखी हुई है, एंड क्योंकि मैं बाहर डे लाइट में इसे शूट कर रहा था, सो डे लाइट में आपका इसका जो ब्राइटनेस है वो इतना ज़्यादा नहीं आएगा, एंड आपको ब्राइटनेस फुल करके देखना पड़ेगा। सनलाइट के अंदर डायरेक्टली अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा डाउन लगता है डिस्प्ले। अभी इसमें मैंने कोई सिम वगैरह यूज़ किया नहीं है, एंड फिंगरप्रिंट इसका टेस्ट करके देख लेते हैं किस तरह का परफॉर्म करता है। ये हो गया इसका सेटअप, चलिए टेस्ट करके देखते हैं किस तरह काम करता है। ये करते हैं बंद, फास्ट है पर बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। ये देखिए बंद किया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया, फिंगरप्रिंट का सेंसर है वो यहाँ पे है, और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ठीक ठाक है, 11,000-10,000 के अंदर जो ये इसका प्राइस है ये उस हिसाब से ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट की उम्मीद मत कीजिएगा इस फ़ोन के साथ, एंड जितना भी है ठीक ठाक है। और कैमरा भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन 50 मेगापिक्सल के जो इसके फंक्शंस वगैरह हैं, कैमरा स्पेसिफिकेशंस हैं, वो मुझे थोड़े कम लगे। शायद और अच्छा अपग्रेड हो सकता है, शायद सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ वो लोग कुछ अपडेट कर दें, देखते हैं। 50 मेगापिक्सल इसका प्राइमरी सेंसर है, और बाकी दो ठो कैमरा दिए गए हैं, शायद 2-2 मेगापिक्सल के होंगे, लेकिन कहीं पे मेंशन नहीं है इसका कि कितने मेगापिक्सल के हैं, लेकिन 2-2 मेगापिक्सल के ही होंगे, ठीक है। कैमरा फंक्शन में सामने की तरफ आपको वीडियो कैप्चर और पोर्ट्रेट मिल जाएगा, और एक मोर का बटन मिलता है। मोर बटन में आपको बर्स्ट मोड, फिल्टर्स, टाइम लैप्स, प्रो, पैनोरामा, 50 मेगापिक्सल का मोड, नाइट प्रो, मैक्रो मोड, ये सब वगैरह मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम मैक्रो मोड में कुछ फोटोग्राफ्स देख लेते हैं क्लिक करके। Thank you.
ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये आपका 1080p में रिकॉर्ड हो रहा है और इसके 50 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर है उसमें से रिकॉर्ड हो रहा है और ऑडियो भी इसके मेन माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो मैं कहूँगा ठीक ठाक है, लेकिन कलर्स थोड़े और अच्छे आने चाहिए थे। प्राइस के हिसाब से 11,000 के अंदर आता है ये फ़ोन, तो ये कैमरा हाँ लगभग ठीक ही है। लेकिन अगर आप कैमरे के लिए कोई फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा, आप कोई और फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा फोकस हंटिंग का भी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। इसमें फ्रंट में आपको यहाँ पे एक सेल्फ़ी कैमरा दिया गया है जो कि है 8 मेगापिक्सल का। मैंने कुछ अच्छी सेल्फीज़ लेने की कोशिश की है, अच्छे फ़ोटोज़ आए हैं, लेकिन अच्छी लाइटिंग के साथ लेंगे तभी अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह ये कर पाएगा। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है फ्रंट कैमरा से और इसी फ़ोन से, और माइक से ही उसका मेन जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। और इसमें जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन है वो है 720p। 1080p से आप फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। 1080p से रिकॉर्ड करना है तो आपको रियर कैमरा यूज़ करना पड़ेगा, जो 50 मेगापिक्सल का इसका सेटअप है। ठीक है, मैंने इसे ऑफलाइन मार्केट में परचेज़ किया है एंड ऑनलाइन प्राइस से काफ़ी कम में मिला मुझे। क्या है कि 10,999 यानी 11,000 का इसका प्राइस है, लेकिन मुझे ये 10,500-10,600 के आसपास पड़ा, क्योंकि इसके साथ मुझे टेम्पर ग्लास भी उसमें मिला, इसके साथ मुझे बैक कवर जो मैंने डिज़ाइन वाला ख़रीदा है वो भी मुझे इसके साथ ही उन्होंने दिया। सो मुझे ये काफ़ी कम मिला, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको केस नहीं मिलता। जो TPU केस मिलता है सिलिकॉन वाला, वो इसमें कंपनी नहीं दे रही है, टेम्पर ग्लास नहीं दे रही है, ठीक है ना। तो इसे बाहर से आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा अपने खर्चे से, तो मुझे उसी में सब कुछ मिल गया, तो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा ये डील, ठीक है। और इस फ़ोन को अगर मैं बताऊं तो प्रोसेसर की वजह से मुझे ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, कैमरा की वजह से भी थोड़ा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि फ्रंट कैमरा में आपको इसमें 1080p तो देना ही चाहिए, फुल HD देना ही चाहिए था रेजोल्यूशन। और रियर कैमरा में ठीक है, 1080p चल जाएगा, इतने प्राइस रेंज में हम एडजस्ट कर सकते हैं। प्रोसेसर इसमें आपको वही यूनिसॉक का मिलता है, लेकिन इसमें अगर 1.8 GHz की जगह, यहाँ पे 1.8 GHz का प्रोसेसर है, इसके जगह अगर 2 GHz या फिर 2.2 GHz अगर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इस वजह से इस फ़ोन को मतलब मैं थोड़ा सा रेकमेंड नहीं करूँगा अगर आपको कैमरा एंड प्रोसेसर अच्छा अगर चाहिए। लेकिन प्रोसेसर 1.8 GHz होने के बावजूद भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डे टू डे यूज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड स्पीड भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक है। मैंने काफ़ी ऐप्स भी इसमें इंस्टॉल करके रखे हुए हैं और उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। ये काफ़ी बढ़िया फ़ोन होगा अगर आप नॉर्मल यूसेज करते हैं, हल्के फुल्के कुछ गेमिंग करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब में कुछ वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं या फिर गूगल पे कुछ भी अगर यूज़ करते हैं, तो इन सब में ये एकदम परफेक्ट रहेगा। और आजकल जो एजुकेशन के लिए जो बच्चे हैं उनको अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए चाहिए या फिर कुछ भी अगर आप देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं किसी अपने स्टडी लेवल के मतलब बच्चे जो हैं उनको अगर देना चाहते हैं, तो ये एकदम परफेक्ट रहेगा, ये फ़ोन एकदम बेस्ट रहेगा उसके लिए, ठीक है। C21 और C20 ऐसा कुछ मॉडल है उसका रियलमी का, लेकिन उससे ये थोड़ा बेटर है C25Y। सो मेरा ये रिव्यू वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सच में बहुत ज़रूरत है। चैनल जैसे मेरा अभी एकदम डाउन की तरफ जा रहा है, आप ही लोग उसे ऊपर की तरफ अप की तरफ ले जा सकते हो, ठीक है ना। सो सपोर्ट बनाए रखिए अपने भाई के लिए। मिलता हूँ अगले किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, किसी और फ़ोन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।